सचिन से जुड़ने के बाद सीमा हैदर ने की दोस्ती, प्यार और शादी, लेकिन आईबी के नए इनपुट के बाद अलर्ट। पबजी पार्टनर के प्यार की खातिर भारत में आने का दावा करने वाली सीमा हैदर की आईबी के इनपुट के बाद संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं। खास बात यह है कि सीमा हैदर के खुलासे से पहले प्रदेश के अभिसूचना विभाग ने भारतीय नाम वाली 14 महिलाओं के जासूसी में लिप्त होने का अलर्ट जारी किया था। छद्म नाम वेश की ये महिलाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव PIO विंग के इशारे पर सोशल मीडिया भारतीयों से जुड़कर जासूसी व ब्लैकमेलिंग लिप्त बताई जा रही हैं। इसे देखते हुए पुलिस भी खासी अलर्ट है। हालांकि अभी तक सीमा हैदर के संबंध में एजेंसियों को जासूसी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन आईबी के जारी किए गए अलर्ट को लेकर भी एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं। 26 जून को प्रदेश के अभिसूचना मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर पुलिस व संबंधित एजेंसियों को अवगत कराया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ISI की नई विंग से जुड़ी 14 महिलाएं सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन के माध्यम से भारतीय अधिकारियों को अपनी जाल में फंसा सकती हैं। उस दौरान कुछ सोशल मीडिया के URL नाम आदि भी रिपोर्ट के साथ पुलिस मुख्यालयों को उपलब्ध कराए गए थे। इनकी फ्रेंड लिस्ट में कई सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े जवान और अधिकारी शामिल थे। इनके अलावा महिलाएं वैज्ञानिकों समेत अन्य अधिकारियों से जुड़ने का प्रयास कर रही थी। जारी अलर्ट में आशंका जताई गई थी कि महिलाएं छद्म वेश में भारत में आ सकती हैं, हनी ट्रैप में फंसा कर ब्लैकमेलिंग के जरिए सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती हैं। हालांकि सीमा हैदर ने सचिन से जुड़ने के बाद दोस्ती, प्यार व शादी की है। सचिन किसी विभाग आदि से जुड़ा नहीं होकर एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन सीमा ने सचिन से जुड़ने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट कर दिया। वहीं उसके नाम से बने फेसबुक अकाउंट से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इनमें भी दिल्ली NCR के युवाओं के अलावा सेना से जुड़े लोग भी शामिल हैं। हालांकि सीमा इन फेसबुक अकाउंट को फेक बता चुकी है। सरहद पार की कहानी को पुख्ता करते हैं ये तथ्य। पाकिस्तान में विवाहित महिला को दूसरी शादी की आजादी नहीं। सीमा के पूर्व पति के 3 साल से सऊदी में रहने के कारण सीमा की बताई कहानी के कई तथ्य नेपाल पाकिस्तान में भी सही निकले। भारत आने के बाद बलोच डाकुओं का डर नहीं होना, सचिन के 4 बच्चों संग सीमा को अपनाना।